हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं आपको 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर 10, सर्कल्स। देखिए, सर्कल्स तो आप छोटी क्लासेस से ऑलरेडी जानते हैं कि सर्कल्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये, जैसे कि ये कोई सर्कल है, तो जहाँ पर आप सर्कल को बनाते हैं अपने प्रकार से, उस पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं। और सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जहाँ पे वो लाइन होती है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जितना हम अपने कंपास को खोलते हैं, उसे हम रेडियस बोलते हैं। तो ये सेंटर है, ये रेडियस है। और सेंटर से होते हुए एक पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को दोनों तरफ टच कर दे, ये डायमीटर होता है। और डायमीटर एक कॉर्ड भी होती है। कॉर्ड क्या होती है? एक ऐसी लाइन, सेगमेंट, जो सर्कल को दो जगह पे टच करे, यानी पूरी लाइन सेगमेंट हो, इसे हम कॉर्ड बोलते हैं। डायमीटर भी एक कॉर्ड ही होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, क्योंकि ये सेंटर से गुजर के जाती है। तो ये चीज़ें जितनी भी हैं, ये बहुत छोटी क्लासेस की हैं, आपको ऑलरेडी आती हैं। अभी अपनी 10th क्लास के अंदर आप सीखेंगे कि सीकेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सर्कल है। इस सर्कल पे आप तीन तरह से लाइनें बना सकते हैं। आप एक लाइन ऐसे बना सकते हैं कि जो सर्कल को कहीं पर टच ही नहीं हो रही, ये लाइन बना दी मैंने, तो ऐसी लाइन को क्या बोलेंगे जो सर्कल को कहीं पर टच ही नहीं हो रही? इसे बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि सर्कल को तो कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही। अच्छा, एक लाइन आप ऐसी बना सकते हैं कि जो सर्कल को दो जगह पे टच कर रही है, तो जो सर्कल को दो जगह पे टच कर रही है, इसे बोलते हैं सीकेंट। और एक लाइन आप इस तरह से बना सकते हैं कि जो सर्कल को सिर्फ एक जगह पे छू के बाहर निकल जाती है, एक ही जगह पे टच किया, ये देखिए एक ही जगह टच किया ना, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। और इनसे रिलेटेड ही ये चैप्टर है आपका, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। एक जो टेंजेंट होती है ना, ये एक स्पेशल तरह की सीकेंट ही होती है, यानी सीकेंट ऐसी होती है कि ये चलते 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 ना, एंड में आके इसके जो दो पॉइंट्स है ना, ये एक ही रह जाते हैं, इस तरह की सीकेंट होती है। मैं आपको समझाऊँ इसे। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये है यहाँ पर और यहाँ पर इसका एक पॉइंट है, ये चलते गए चलते गए चलते गए, तो ये पॉइंट अब एक ही जगह पे रह गया, यानी दो पॉइंट थे और मूव होते गए, तो बिल्कुल इसके यहाँ पे सर्कल के एंड पॉइंट पे ये एक ही पॉइंट रह जाता है। तो टेंजेंट भी एक तरह की सीकेंट ही होती है, एक स्पेशल केस होता है। अच्छा, अब टेंजेंट के बारे में थोड़ा सा और इसको डिटेल में जानते हैं। देर इज़ ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ये बात आप ध्यान रखना कि सर्कल के एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकती है। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P के ऊपर एक ही टेंजेंट बन सकती है। अब अगर कोई और टेंजेंट बनेगी ना, तो वो इस पॉइंट के ऊपर नहीं बन पाएगी, बनेगी तो वो इसी के ऊपर आएगी, उसे तो हम दूसरी टेंजेंट नहीं बोल सकते। कोई और टेंजेंट बनेगी तो वो किसी और पॉइंट पर बनेगी, तो एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बन सकती है, ये एक सबसे मेन बात। दूसरी चीज़ ये है, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। ये मैंने अभी अभी आपको बता दिया कि जो टेंजेंट होती है वो सीकेंट का ही एक स्पेशल केस होती है, व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड, जब उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो कोइंसाइड हो जाते हैं, यानी कि एक ही बन जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। एक ये बात, ठीक है। अब शुरू करते हैं इसमें यूज होने वाली थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 कहती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए, ये जो पॉइंट होता है ना, जहां पे टच करती है, इसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, यानी जहां पे टेंजेंट बनती है सर्कल पे, वो जो पॉइंट होता है उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। कॉन्टैक्ट का तो आप मतलब ऐसे भी जानते हैं कि जहां पे कॉन्टैक्ट होता है, टच होता है। थ्योरम ये कहती है कि जो टेंजेंट बनती है और ये रेडियस है, तो रेडियस
और टेंजेंट का ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये मिलके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। एक बार फिर से पढ़ता हूँ थ्योरम को। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस के ऊपर ये परपेंडिकुलर बन जाता है। समझ गए आप कि पॉइंट ऑफ यानी कि ये टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जब सर्कल इसको रेडियस को ऐसे खींचेंगे तो ये मिलके 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1, बुक से करते हैं, ये ओरल एक्सरसाइज है। सबसे पहले कहता है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। देखिए एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, आप ये देखिए, ये एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट बना दी, यहाँ पे एक बना दी, यहाँ पे बना दी, यहाँ बना दी। मतलब सर्कल तो बनता ही अनकाउंटेबल पॉइंट से है। सर्कल के ऊपर इतने सारे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। तो जितने पॉइंट होते हैं सर्कल के ऊपर उतनी ही टेंजेंट्स बन सकती हैं। तो इसका आंसर है इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब है हम सर्कल के ऊपर कितनी भी टेंजेंट्स बना सकते हैं, असंख्य, जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। अभी अभी मैंने बताया ना आपको कि जो टेंजेंट होती है, ये सर्कल है, टेंजेंट सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करती है। जो दो के ऊपर टच करती है उसे तो सीकेंट बोलते हैं। तो टेंजेंट एक पॉइंट के ऊपर टच करती है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट। जो लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है उसे हम सीकेंट बोलते हैं। अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ये समझ लीजिए आप क्या है, ये कोई सर्कल है, ये मैंने एक टेंजेंट बना दी। अब इसके पैरेलल सिर्फ एक टेंजेंट और बन सकती है। अब लैंग्वेज पे ध्यान दें। अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। किसी सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ दो ही टेंजेंट हो सकती है जो पैरेलल हो, कोई और होंगी तो वो अलग सेट बनेगा। यानी इसके पैरेलल ये ही होगी तो सिर्फ दो होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल, और यहाँ पे कोई लाइन बन जाए, ये तीनों आपस में पैरेलल हो। नहीं, सिर्फ दो ही हो सकती हैं पैरेलल। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये मैंने आपको बता दिया कॉमन पॉइंट। जैसे कि ये सर्कल है, ये सर्कल की टेंजेंट का और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है, सर्कल का पॉइंट ये हो गया, टेंजेंट का पॉइंट ये हो गया, ये जो पॉइंट होता है इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ टच करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में कहता है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट ओ सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ पी क्यू इज। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहले तो क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसे समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, एक टेंजेंट है और उसका नाम है पी क्यू ऑफ अ सर्कल एट पॉइंट पी, पी पॉइंट के ऊपर है वो टेंजेंट। तो ये पॉइंट पी हुआ और ये टेंजेंट बनी हुई है ऐसे ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। और इस सर्कल का जो रेडियस है ना वो 5 सेंटीमीटर है। ये लीजिए मैंने रेडियस भी बना लिया 5 सेंटीमीटर, ये मैंने टेंजेंट भी बना ली। आगे कहता है मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, एक ऐसी लाइन से मिल जाती है ये वाली टेंजेंट जो कि सेंटर ओ से निकल रही है। ये सेंटर भी बना लिया मैंने ओ, और यहां से एक लाइन निकल रही है एट अ पॉइंट क्यू, यहां से एक लाइन निकल रही है जो टेंजेंट को क्यू पे मिल जाती है ऐसे। ये पी हुआ, ये टेंजेंट हुई, ओ से एक लाइन निकली और इस टेंजेंट को क्यू पे मिल गई, ऐसे ये फिगर बन गई। और ओ क्यू की लेंथ हुई 12 सेंटीमीटर। ये जो ओ क्यू है ना ये आपका 12 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस तरह से फिगर बनी है।
आपको बताना है कि पी क्यू की लेंथ कितनी होगी। ये पी और क्यू दिख रहा है ना आपको, तो इसकी लेंथ निकालने के लिए आपका लगेगा इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अभी अभी आपने 10.1 थ्योरम पढ़ी है कि जहाँ पे टेंजेंट टच होती है सर्कल को वो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब जब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया और ये बन गया आपका ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में तो लग गई पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और यहाँ से अपना पी क्यू की लेंथ निकालेंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज होता है, यहाँ से करते हैं, इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल का नाम ओ पी क्यू, जो हाइपोटेन्यूज होता है यानी सबसे बड़ी साइड होती है जो 90 के सामने होती है, उस सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर होता है वो बाकी की दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी ओ पी स्क्वायर और प्लस क्यू पी स्क्वायर। तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की इन दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर जो 90 का एंगल बनाती हैं। और वैल्यू पुट करते हैं, ओ क्यू हमें दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ओ पी, ओ पी दिया है रेडियस है तो ये 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल प्लस क्यू पी, क्यू पी तो हमें निकालना ही है तो इसकी वैल्यू एज इट इज। और 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस क्यू पी का स्क्वायर। अब क्यू पी की वैल्यू निकालनी है तो क्यू पी को हम एक तरफ अकेला छोड़ देंगे और यहाँ हो जाएगा 144 माइनस 25 तो इज इक्वल टू, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 119, क्यू पी का स्क्वायर हो गया 119। अब वैल्यू निकालनी है क्यू पी की, तो स्क्वायर जो होता है वो दूसरी तरफ जाके रूट में चला जाता है, यानी 119 के ऊपर ये रूट लग गया, तो क्यू पी की वैल्यू आ गई 119 अंडर रूट। और ये बुक के अंदर ऑप्शन दे रखा है डी, तो देयर फोर डी इज योर राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन था, इस तरह के आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके। चलिए क्वेश्चन फोर देखते हैं क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर थ्री था, ये क्वेश्चन नंबर फोर। ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अ एंड द अदर अ सीकेंट ऑफ द सर्कल। ये कहता है कि कोई आपको सर्कल दिया हुआ है, मान लीजिए ये सर्कल है ये दिया हुआ है, और एक लाइन भी दे रखी है, ये कोई लाइन दे रखी है, ये गिवन है, ये दो चीजें ऐसे गिवन है। आपसे कहता है टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, इस लाइन के गिवन, ये जो लाइन गिवन है इसके आपको दो लाइंस पैरेलल बनानी है, एक तो होनी चाहिए टेंजेंट और एक होनी चाहिए सीकेंट। तो देखिए इसके पैरेलल मैं पहले टेंजेंट बना देता हूँ, तो टेंजेंट तो हो गई ये जो इसको टच करेगी, जो एक पॉइंट पे टच करेगी ये हो गई आपकी टेंजेंट, इसको मैं लिख देता हूँ गिवन लाइन। तो गिवन लाइन के पैरेलल है ना, बिल्कुल पैरेलल बना रहा हूँ मैं इसको। अच्छा अब गिवन लाइन के पैरेलल बनाता हूँ लेकिन वो होगी सीकेंट, तो उसे मैं सर्कल के अंदर घुसा दूंगा क्योंकि सर्कल के अंदर ही बनेगी वो, दो पॉइंट पे टच करना जरूरी है ना, इसलिए ये हो गई। अब ये गिवन लाइन है और ये आपस में दोनों पैरेलल है लेकिन ये सीकेंट है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही किया है कि एक सर्कल के सर्कल है और उस पर एक गिवन लाइन दी हुई है, उस गिवन लाइन के आपको एक टेंजेंट बनानी है और एक सीकेंट बनानी है और वो दोनों की दोनों गिवन लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। बस इतना सा क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 10.1। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।